अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात, अमेरिका आने का दिया न्यौता। प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच आर्थिक और रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर हुई चर्चा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, भारत को अपना सच्चा दोस्त और अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी मानता है अमेरिका। मोदी पांचवें राष्ट्राध्यक्ष हैं जिनसे ट्रंप ने की राष्ट्रपति बनने के बाद फोन पर बात, रात 11:30 बजे हुई चर्चा। हैदराबाद हाउस में मिलेंगे भारत अबूधाबी के क्राउन प्रिंस शेख खलीफा बिन जायद और पीएम मोदी, 16 समझौतों पर हो सकते हैं हस्ताक्षर। अबूधाबी और भारत के बीच कारोबार आसान बनाने के लिए हो सकता है एमओयू साइन। 12:30 बजे दोनों देशों की होगी साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। उद्योगपति विजय माल्या ने आईडीबीआई बैंक से मिले कर्ज में से करीब 260 करोड़ रुपए निजी इस्तेमाल में के खर्च, सीबीआई की चार्जशीट से खुलासा। विजय माल्या केस में गिरफ्तार सभी आरोपी 7 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में, मामले की अगली सुनवाई 30 जनवरी को होगी। गोवा की केसदा जेल में 45 कैदियों का जेल कर्मियों पर हमला, जेल से फरार होने की नाकाम कोशिश। कैदियों के हमले में जेलर गंभीर रूप से घायल, गोवा मेडिकल कॉलेज में भर्ती, जेल में बढ़ाई गई फोर्स। वडोदरा में एक की मौत पर रेल मंत्री ने दिए जांच के आदेश, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के डीजी करेंगे मामले की जांच, दोषियों पर सख्त कार्रवाई के आदेश। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के खिलाफ मुंबई की वकील आबा सिंह ने की क्रिमिनल केस दर्ज करने की मांग, रेल मंत्री को लिखे चिट्ठी। यूपी चुनाव से पहले यूपी बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य का बयान, सरकार बनी तो अयोध्या में भव्य राम मंदिर का होगा निर्माण। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को आज काले हिरण शिकार मामले में जोधपुर की कोर्ट में कराना है बयान दर्ज, अंतिम दौर में है मामले की सुनवाई। जोधपुर सीजीएम कोर्ट में सैफ अली खान, नीलम तब्बू और सोनाली बेंद्रे को भी कराना है बयान दर्ज, 1998 का है मामला। शहीद परिवारों की मदद के लिए अक्षय कुमार ने दिया आइडिया, कहा ऐप और वेबसाइट के जरिए कोई भी कर सकता है मदद। गणतंत्र दिवस से पहले अक्षय कुमार की अपील, शहीदों के परिवार के लिए बनाई जाए ऐप, कहा जवानों की मदद के लिए आगे आए लोग। अरविंद केजरीवाल के साढ़ू सुरेंद्र कुमार बंसल के खिलाफ एसीबी ने शुरू की जांच, पीडब्ल्यूडी को करोड़ों का चूना लगाने का आरोप। यूपी के बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी आज बीएसपी में हो सकते हैं शामिल, सूत्रों के मुताबिक 3 सीटें दे सकती है बीएसपी। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की आज लखीमपुर में जनसभा, धौरहरा, निघासन और कस्ता में करेंगे रैली। यूपी में चुनाव से पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट से अखिलेश सरकार को झटका, 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के फैसले पर लगाई रोक। यूपी में चुनाव नहीं लड़ेगी जेडीयू, पटना में जेडीयू की कोर कमेटी की बैठक में फैसला, किसी पार्टी को समर्थन देने से भी जेडीयू का इनकार। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की तीसरी लिस्ट, 67 उम्मीदवारों का किया ऐलान, कई नए चेहरों को दिया गया टिकट। बीजेपी ने बीएसपी से आए आर के चौधरी और स्वामी प्रसाद मौर्य को दिया टिकट, पडरौना से चुनाव लड़ेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य। बीजेपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी को डूबता हुआ और कांग्रेस को डूबा हुआ जहाज बताया। यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट, सूची में 40 लोगों के नाम, प्रियंका गांधी और मनमोहन सिंह शामिल। यूपी में समाजवादी पार्टी की स्टार प्रचारक लिस्ट से शिवपाल यादव का नाम गायब, लिस्ट में मुलायम, अखिलेश, डिंपल यादव समेत 40 लोगों के नाम। कानपुर में फ्लैग मार्च के दौरान सीआरपीएफ की 2 गाड़ियों में टक्कर, 7 महिला जवान घायल, 1 की हालत गंभीर। पीलीभीत में एक्टर राजपाल यादव के छोटे भाई की गाड़ी जब्त, गाड़ी में थी चुनावी सामग्री, गाड़ी में सवार सभी लोग भागे। पीलीभीत की बिसलपुर सीट कांग्रेस को मिलने पर समाजवादी नेता ने छोड़ी पार्टी, कहा सियासी गठबंधन के चक्कर में करियर नहीं कर सकता बर्बाद। पंजाब चुनाव के लिए अकाली दल ने जारी किया मैनिफेस्टो, 25 रुपए में 1 किलो घी, 10 रुपए किलो चीनी देने का वादा, प्रेशर कुकर गैस कनेक्शन भी फ्री। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अशोक चव्हाण की गुरदास कामत को चेतावनी, संजय निरुपम के साथ मतभेदों को सोशल मीडिया पर किया था साझा। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने टर्मिनल 2 में एंट्री करने वाली गाड़ियों पर पार्किंग शुल्क लगाने को बताया सही, बॉम्बे हाईकोर्ट में रखा अपना पक्ष। मुंबई के पास डोंबिवली में साउथ इंडियन कॉलेज के सामने एक स्टूडेंट की चाकू मारकर हत्या, किसी लड़की को लेकर हुआ था झगड़ा। महाराष्ट्र के परभणी में मामूली झगड़े में 17 साल के युवक की गई जान, चाय पीने के दौरान हुआ था विवाह। हरियाणा के हिसार में सीनियर एडवोकेट सुभाष गुप्ता की सरेआम हत्या, अज्ञात बदमाशों ने चाकुओं से किया वार। बिहार के नालंदा में नाबालिग छात्रा को अगवा करने के मामले में कोचिंग सेंटर का टीचर गिरफ्तार, टीचर का कहना है कि अपनी मर्जी से गई थी लड़की। बिहार के सासाराम में शराब बेचने को लेकर 2 गांव के लोगों में मारपीट, पथराव में स्कूल जा रही 6 छात्राएं हुई घायल।
राजस्थान के प्रतापगढ़ में नाबालिग की हत्या करने वाला युवक गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक लड़की से थे युवक के अवैध संबंध। राजस्थान के धौलपुर में एक महिला जनप्रतिनिधि का पूर्व पंच पर 8 दिन तक बंधक बनाकर रेप करने का आरोप, आरोपी फरार। यूपी के बागपत में बदमाशों ने की एक पेट्रोल पंप पर लूटपाट, हथियार लहराते हुए फरार। एमपी पुलिस ने कई सालों से चकमा दे रहे डकैत बाबू गुर्जर को किया गिरफ्तार। हत्या, फिरौती, डकैती के कई केस हैं दर्ज। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में नशे में धुत एक व्यक्ति ने की अपनी मां की हत्या। पुलिस ने आरोपी को लिया हिरासत। राजस्थान के अलवर में बाल सुधार गृह से 5 बाल अपराधी गार्ड से मारपीट करके हुए फरार। पुलिस ने एक को पकड़ा। राजस्थान के कोटा में शराब के नशे में लड़के और लड़की का हंगामा। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम से भी बदतमीजी।